नेपाल की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। काली नदी में मलबा डाल रहा है नेपाल और मलबा डालने से बहाव का रुख भारतीय क्षेत्र की तरफ हुआ है। नदी का बहाव बदलने के तटबंध निर्माण में दिक्कत आने की यह खबर मिल रही है। नेपाल से नदी में मलबा हटाने का वादा तो जरूर हुआ था, लेकिन 7 दिसंबर की बैठक में दोनों देशों में सहमति के बावजूद खबर ये मिल रही है कि मलबा काली नदी में डाला जा रहा है और काली नदी के बहाव को तटीय क्षेत्र की तरफ करने की वजह से जो तटबंध जो बांध बन करके तैयार होना था उसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो लगातार मलबे वाली साजिश सामने आ रही है नेपाल की ओर से, काली नदी में लगातार मलबा डालने की खबर। तो नेपाल की काली साजिश क्या है, चलिए जरा डिटेल्स देखें। मलबा हटाने के नाम पर धोखा कर रहा है नेपाल, क्योंकि एक ट्रीटी थी जहां पर मलबा हटाने का वादा किया गया, लेकिन वादा वो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। नेपाल ने नदी के किनारे से मलबा हटाने का वादा किया था, रोड़े और जो सामग्री है उसे हटाने। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कि वादे के बावजूद नेपाल काली नदी में उसे डंप कर रहा है, काली नदी के प्रवाह को विस्तार मिल पाना मुश्किल है। इस तरीके से 7 दिसंबर को भारत और नेपाल को एक टेबल पर बैठकर बातचीत करते देखा गया। समन्वय समिति में एक बैठक हुई और धौली निकेतन में NHPC में ये मीटिंग हुई थी। बैठक के 2 दिन बाद नेपाल ने मलबा हटाने का काम शुरू किया था। मलबा हटाने जाने तक तटबंध का जो निर्माण कार्य है वो मुश्किल है, क्योंकि लगातार मलबा से पानी का फ्लो बिगड़ता चला जा रहा है और कुल मिलाकर के ये कंडीशन ऐसी है कि मलबा हटाने का वादा करने के बावजूद भी माफ कीजिएगा, भारत नेपाल का विवाद आखिरकार है क्या, आइए इसकी डिटेल में जाएं। तय ये है कि 2020 में नेपाल ने राजनीतिक नक्शा जारी किया था, काला पानी लिम्पियाधुरा लिपुलेख को अपने क्षेत्र में नक्शे में दिखाया। 2020 में राजनाथ सिंह ने धारचूला में सड़क संपर्क मार्ग का उद्घाटन किया, नेपाल ने इसका विरोध किया और लिपुलेख पर अपना दावा फिर से किया। दोनों देशों में कई दिन तक तनातनी रही। 2020 में ही नेपाल ने विवादित नो मैन्स लैंड पर कब्जे की भी कोशिश की। अब भारत अपने क्षेत्र में तटबंध का यानी बांध का निर्माण कर रहा है, इस पर भी नेपाल की तरफ से विरोध जताया जा रहा है। तटबंध निर्माण को लेकर के विवाद है और अब देखिए इसी तटबंध के निर्माण में दिक्कत आ रही है, क्योंकि काली नदी में मलबा डाला जा रहा है और पानी का फ्लो चेंज हो रहा है। ये सब कुछ जानबूझकर हो रहा है और वादे के खिलाफी के तहत हो रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं, हमारे सहयोगी ज्यादा डिटेल के साथ मौजूद हैं, नीरज का रुख करेंगे। नीरज एक बात बताइए कि जिस तरीके से 7 दिसंबर बहुत दूर तो नहीं है, वादा तो यही किया गया था, लेकिन क्या सबूत है कि हम कह सकते हैं नेपाल अभी भी मलबा डंप कर रहा है? जैसे कि कल ही यहाँ पे कल और अभी भी लगातार यहाँ पे नेपाल के द्वारा काम किया जा रहा है, लेकिन नेपाल लगातार जो वहाँ पे जो बादल फटने के बाद मलबा इकट्ठा हुआ है उसको सीधे काली नदी पे डाल रहा है, जिससे जो भारतीय क्षेत्र में काम कर रही है कंपनी संस्था जो यहाँ पे तटबंध का निर्माण कर रही है उसको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे पानी का फ्लो सीधे भारतीय क्षेत्र में हो जा रहा है, तो तटबंध का कार्य नहीं। लेकिन 7 तारीख को जिस तरीके का वादा हुआ था, जैसी मीटिंग हुई थी, उसके बावजूद कब से फिर से मलबा डालना शुरू कर चुका है नेपाल? जैसे कि 7 तारीख को मीटिंग हुई थी, दोनों देशों की सहमति बनी थी, जिसमें नेपाल ने ये कहा था कि हम सारा मलबा हटा के अन्य जगह डालेंगे, लेकिन वहाँ कहीं देखने को ऐसा मिल नहीं रहा है कि नेपाल अपना मलबा हटा के दूसरी जगह डाल रहा हो, लेकिन नेपाल सीधे सीधे मलबा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि नदी में डाल रहा है, और जिससे अब जो नदी का रुख है भारतीय क्षेत्र की तरफ हो गया, जहाँ पे भारत तटबंध का निर्माण कर रहा है, तो वहाँ पे तटबंध के निर्माण करने में परेशानी आ रही है, और नेपाल के और से कोई भी ऐसा जो मीटिंग में सैद्धांतिक मीटिंग हुई थी, जिस हिसाब से उस तरीके से कोई भी इस तरीके का व्यवहार नेपाल की तरफ से देखा नहीं जा रहा है। बातें तो हुई लेकिन व्यवहार नहीं है, कहते हैं रोटी बेटी का नाता है नेपाल से, लेकिन इस पूरी एक्टिविटी के बाद किस तरीके की डेवलपमेंट होगी ये देखना जरूरी है। शुक्रिया नीरज। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं, आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।